सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, राधे राधे और वेलकम टू द प्रीडेटर के व्लॉग्स। कल थी 3rd of March और कल था विकास का बर्थडे। हम लोग मतलब मैं गया था उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और फिर हम लोग उसके घर पे केक कटिंग की और लास्ट वाले व्लॉग में देखा होगा। और केक कटिंग करने के बाद हम लोग RDC गए थे घूमने के लिए। वहाँ पे लेट नाइट हो गया था क्योंकि वैसे ही मुझे 10:30 बज चुके थे, नहीं 9:30 या 9:45 बज चुके थे घर पे आते आते, तो लेट था मेरे लिए। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज है 4th of March और 2 तारीख को मामा का बर्थडे था, 3 तारीख को विकास का और आज तिथि अनुसार मेरा बर्थडे है। यस, तिथि अनुसार आज मेरा बर्थडे है। वाह, और आज बड़ा ही शुभ अवसर है और शुभ दिन भी बैठ रहा है। हम लोग बरसाने से राधा रानी को लेके आए थे। हमारे जो कानूडू है, लड्डू गोपाल है, उनकी सखी आई है, तो आज उनका हमारे घर में आगमन होगा। तो उसी की तैयारी में पूरा घर सजा दिया है। और यहाँ पे जैसे कि बोला था, एक टाइम पे हम जगराता कराएंगे। जगराता तो नहीं, लेकिन कीर्तन जरूर हो जाएगा आज। और जी देखो भैया, हमने लड्डू गोपाल कैसे सजत रही। मतलब भाई तुम इतने सुंदर हो कि हमें पीछे छोड़ देते हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं सुंदर नहीं हूँ लेकिन मैं गजब हूँ, तुम अत्यधिक गजब हो। पूरा रूम डेकोरेट कर दिया मैंने और सब तैयार है, बस हनी के आने का इंतजार है। हनी आ जाएगा, फिर राधा रानी का आगमन होगा, कीर्तन होगा। मम्मी ढोलक फोलक सब तैयार करके रख दिया है हमने। ढोलक बाहर सूखने के लिए रखी है। वो रही ढोलक और सामने भैया के कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है उनके रूम पे, तो ये सब सामान बिखेर के रखा हुआ, तो पूरा एरिया गंदा गंदा लग रहा है। और यहाँ पे भी बलून्स लगा दिए थे मैंने सुबह। और ये कुछ फ्लावर्स लेके आया था मैं, पेटल्स, रास्ते के लिए। रास्ते पे बिछाएंगे, उनका स्वागत करेंगे ना, मतलब बढ़िया वाला। यार अभी हनी को आने में काफी टाइम है, तो फिर उससे पहले मैं थोड़ी एडिटिंग कर लेता क्योंकि मेरे शायद 2 या 3 व्लॉग्स बचे हुए हैं डालने को। और कुछ फूडी प्रेडेटर, जरा _foody_predator, ये मेरी इंस्टाग्राम फूडी आईडी है, इस पे जाके फॉलो करो। कुछ नया कंटेंट आने वाला है, 4 से 5 वीडियोस आएंगी, रील्स आएंगी, पोस्ट आएंगी, तो उन पे लाइक कर देना याद से। और इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो भाई इस पे भी लाइक बनता है, और लाइक तो कर ही रहो भाई, प्लीज शेयर कर दो यार, शेयर कर दो। यहाँ पे स्पीकर्स भी तैयार हैं ताकि सब लोग आए और फिर हंगामा हो, जोर जोर से राधा रानी का स्वागत करा जाए। अगर पापा होते गाजियाबाद अभी, मतलब ट्रांसफर नहीं हुआ, तो हम लोग पूरे मतलब बढ़िया तरीके से प्रोग्राम टाइप का भी करा लेते हैं, अगर अच्छा होता किस्मत तो। लेकिन नहीं, कोई नहीं, अब अपने टाइम पे करा लेंगे। एंड मैं वृंदावन से मैं टी-शर्ट लेके आता, ये श्री राधे राधे। सब कुछ वैसे सब तैयार है हमारा, पूरा प्रसाद, खाना पीना, उनको भोग लगाने के लिए पानी जल फला सब कुछ तैयार है, बस हनी का वेट है। हनी आ जाए तुरंत स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए मैं ऑफलाइन जाता हूँ और जाके पहले वीडियो एडिट करता हूँ। मेरे व्लॉग्स पड़े हुए हैं, मेरी कुछ आईडीज, मतलब जो मैंने फूडी प्रेडेटर वाली बताई उस पे कुछ पोस्ट डालनी है, वो एडिट करनी है। और ये सब एडिट करने के बाद ये प्रोग्राम, आज जो फंक्शन है ना यहाँ पे घर पे, उसके आनंद लेंगे। टेंशन मत लो, मैं दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा सबर करो, हनी के आने का वेट है बस। फिर आप लोग भी मजे लेना, राधा रानी के दर्शन लेना, उनका आशीर्वाद लेना और प्रे करना। और इस पे है ना राधा रानी के पैर छापे जाएंगे एज अ मेमोरी। 1 2 3 राधे राधे राधे। इधर आप चिक्स पे लगा दो, चिक्स पे। देखो मैचिंग, देखो मेरी मैचिंग आओ। ये भैया मेरा प्रोडक्ट, ये बिकाऊ प्रोडक्ट है राधे नाम का, तो आप देख सकते हैं, इसको आप खरीद सकते हैं फ्री में। प्राइस आप देख लीजिए, फ्री में। हाँ देख लिया हमने। अब जस्ट मैं थोड़ा सा ये करके फिर जाके अपना ये भी लगवाऊंगा। तो ये वेलकम के लिए अभी थोड़ा पूरा नहीं करा है क्योंकि यहाँ से लोग आने जाने के लिए। और ये कर दिया हमने सेट, ये हो गया एंट्रेंस। और ये है आज के हमारे द्वारपाल, यहीं पे खड़े होके देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। राधे राधे। वो काम है कुछ नहीं मैं नीचे बैठ जाता हूँ ऐसे करके। चावल और भी राधा रानी की जय। राधे 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 छोटी सी किशोरी लगा दे। अरे सही है, चलने दो। लड्डू आए के लिए बर्फी ले आए। और यहाँ पे सारे सुरों को याद करते हुए सही में। ओ हाँ सही बोल रही हो आप। कानूड़ा भी आया था और ये आज आई हैं तिथि के हिसाब से। ये अडॉप्टेड है, ये अडॉप्टेड है। बोले 18 साल में तो एक बार कथा करा भाई, हर बार पूछ होते पहली बार कैसे कराओ। कहते हैं भैया को तो ये लेके आंटी आज आपको केक खिला देंगे। बर्फी खानी हो, बर्फी को केक समझ के खानी हो। थोड़ा नसगुन्ना लेके आए, नसगुन्ना खानी हो। हमने कहा लड्डू के लिए बर्फी आ गई। बोला हनी बोला कि इसका नामकरण बर्फी कर देते हैं। किशोरी तो चलो कर लेंगे, जैसे कानूडू बोल देते कभी प्यार से, कभी कुछ लड्डू कह देते, कभी कुछ कह देते। मैंने बोला बर्फी फिक्स कर देते, लड्डू की बर्फी है, लड्डू की बर्फी है। अब तो सदस्य ही होगी हमारी आंटी। आप तो नकली वाला हफ्ते में 2 वाला बर्थडे करवा दोगी आज मेरा। कोई टेंशन नहीं है, तो 2 मिनट लग रही, कोई नहीं। वैसे भी तो है जमाने की आएंगे भैया में। बर्थडे पर खाना है, रिलैक्स लेके पूछ लेते हैं। गाना बड़ा आसान है इन्हें आजकल, कुछ चल गया दिमाग में कुछ तो। सूती कपड़ा गहरे ऐसी बात ऐसे टाइम पे याद आती है ना दीदी हमारे सूती गड्ढा। बाके बिहारी की देख छटा, तुम बताओ ना कौन सा गाना लगाए, पहले सॉन्ग तो बता दो। अरे सॉन्ग बता दो जल्दी, अरे जल्दी बताओ। जो आप सॉन्ग बोलो वही लगा देंगे, मुकाबला लगा दे। अरे रे मुकाबला है, चलो मुकाबला लगा देते हैं। पहले डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो। सब लोग उठो, सब लोग उठो। तू भी उठ चल। ये है बरसाने वाली की। राधे राधे। आ जाओ आंटी जी, तरक्की करो, पढ़ो लिखो, नौकरी लगे। आशीर्वाद देते रहो। हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे टू मी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ऐसे हुआ था लक्ष्मी जी का आगमन हमारे घर में। ये रहा हमारा प्रसाद पंचामृत। और ये आंटी की ढोलक, बस आंटी को ढोलक बजाना नहीं आता लेकिन ढोलक है। राधे राधे आंटी। अपनी लाड़ों के लिए पहली बार भोज लेके आ रही हूँ, पहला भोग लगाऊंगी उनको। मेरे घर पधारी है, भूख तो लगी होगी। हाँ, रिश्तेदार जब कोई आता है तो उसको पहले खाने तो खिलाया जाता है। रिश्तेदार अब हमारे घर की सदस्य हो गई हैं। तो उनके लिए क्या क्या बनाया है मम्मी जी? खीर बनाई है, आलू, अरबी। उनकी बहुत पसंद है, उनकी फेवरेट है अरबी, तो अरबी बनाई है। और पूरिया बनाई है। लाडो चलो गरम गरम खाना खा लो। लाडो अपने हाथ से खाना खिलाओ, भोग लगाओ प्यारे मोहन। कोई नहीं, लड्डू ऐसी करती है मम्मी हमारी। अमृत बना दो। अब तू हमारी गैंग में आ जा ब्रो कोड। हाँ भी लाडो सा, अब इतनी दूर से आए तो भूख तो लगी होगी। भूखी भूखी लग रही है ना। इनका तो खाना हो गया, अब हम लोग अपना खाना खा लेते हैं। सुबह से सबका व्रत था बट मजा आया। मैं सुबह दौड़ने भी गया था, बताओ, खाली पेट। ताकत है मेरे में अभी भी। तो फिर आज हमने अपनी लाडोसा का ऐसे स्वागत किया अपने घर पे। अब वो हमारी फैमिली का एक सदस्य है और अब कानूडू को अपनी सखी मिल चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दो। और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, फलाना ठिकाना, पड़ोसी अड़ोसी सबको आना ताकि ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी प्रेडेटर की फैमिली से जुड़ पाए। और फिर आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय।